हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पालक वड़ा। ब्रेड पालक वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस, 1 कटोरी बारीक कटी हुई पालक, 1 मीडियम साइज प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1/4 कटोरी फ्रेश धनिया, इसके बाद 3/4 कप दही, 1/2 कप चावल का आटा, 1/4 कप रवा यानी कि सूजी, 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब सबसे पहले हम ब्रेड के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे चावल का आटा, रवा और साथ ही में दही। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज और साथ ही में पालक और फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, नमक और जीरा और फिर से अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इस मिश्रण से इस तरीके से वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जैसा भी छोटा बड़ा साइज चाहे उस साइज के आप वड़े तैयार कर सकते हैं। ये सभी वड़े बनके तैयार हैं और यहाँ हमने तेल गरम करने रख दिया था और अब हम एक एक करके सभी वड़े डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि वड़े तेल में डालने के पहले हमारा तेल एकदम अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। तेल हमारा अच्छा गरम नहीं होगा तो हमारे वड़े तेल में जाने के बाद टूटने लगेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो। दोनों साइड से वड़े गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सभी वड़े फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड पालक वड़े बनके तैयार हैं। देख सकते हैं कि ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये ब्रेड पालक वड़ा डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।